नमस्कार दोस्तों, आज 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फलों का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। तो चलिए जानते हैं आज की क्या पोजीशन है। दोस्तों अभी हम खड़े हैं 13 नंबर शेड में, वीडियो यहां से बनाई, जैसे उधर से मंडी में आज तुषार भाई साहब मिल गए जो यहां पर सेब का भी काम कर रहे हैं। इनका सेब का सप्लाई का काम है और मैंने आपको पहले भी बताया था इनका काफ़ी हर फ्रूट का हर सब्जी का काम है इनको और इनकी सप्लाई जाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई साहब जी। भाई साहब जी कैसी चल रही मार्केटें, ऑर्डर आर्डर कैसे आ रहे? अब थोड़ा सा चलने लगी है कि धूप थोड़ी निकल गई है तो थोड़ा सा ये है कि अब कारोबार थोड़ा सा हमारा उठा है। अच्छा, तो पीछे हफ्ते थोड़ा ठंडा ज़्यादा था मौसम को लेकर, लेकिन अब भगवान की दया से काम अच्छा चल रहा है। तो आपका हर चीज का काम है, सेब का, अंगूर का, हर आइटम का। मेन काम हमारा सेब का है, अंगूर का है, और जो इम्पोर्टेड मतलब ये इम्पोर्टेड आइटम हो गई और कोई भी हो गई है, शिमले के बक्से हो गए या कुछ भी, जितना ऑर्डर होता है उस हिसाब से वो है। मेन जो काम है हमारा सेब का है, सीजन में आम का हो जाता है, जैसे जैसे सीजन जिसका मेन सीजन होता है वो वाला काम हमारा। अच्छा, और एक आप अनार मंडी में भी वहाँ देखा मैंने, अनार का भी मतलब हमारे लगभग 500-600 नग अनार भी जाते हैं रोज के। अच्छा, सेब ज्यादा जाता है, अंगूर ज्यादा। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपकी सप्लाई है सिर्फ आढ़तियों के लिए, बड़े होलसेलर में? बड़े होलसेलर के लिए, हमारे पास छोटे ग्राहक के लिए ना हमारे को वो भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कोई 2 नग मंगाता है वो हमारे को दिक्कत होती जाती है भेजने में भी ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा जी। तो हम इतना कहते हैं कि कम से कम इतना माल यहाँ से जाए कि ट्रांसपोर्टर वाले को भी दिक्कत ना हो। तो मंडी में अभी कितनी कंपनियों का सेब आ लिया जी? अब तो लगभग ज्यादातर हर ये भी है। ये स्टार एप्पल भी कंपनी है वैसे, ये बड़े बड़े ब्रांड है सारे, बीजा ब्रांड हो गया, आज एंजॉय ब्रांड भी आया है। ये तो बीजा ब्रांड हो गया, तो ये स्टार एप्पल भी ब्रांड है। अच्छा जी, फार्म कैंडी हो गया, ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा जी, अच्छा फार्म पिक भी ये ब्रांड हो गया जी? फार्म पिक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये सबसे बड़ा ब्रांड यही है, आज एंजॉय भी चालू हुआ है। अच्छा जी, तो सबका माल आ रहा जी यहाँ पर मंडी में? सबका माल आ रहा है। अच्छा, और ये देवू में भी? तो ये सारी कंपनियों का माल लिया जी? सारी कंपनियों का माल है। तो आपकी यहाँ पर ये पैकिंग चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। इसकी ग्रेडिंग करा के दोबारा भेजते हैं? जैसे कोई रीपैकिंग कराने की, किसी कोई व्यापारी कहता है कि हमारा रीपैकिंग करा के भेजो, 3 दिन की मंडी है। हाँ जी। तो हम उनको रीपैक करा के देते हैं, किसी की 1 दिन की होती है तो उसको ये ऐसे चलता है तो ऐसे भी देते हैं। अच्छा जी, संतरा भी भेज रहे हैं यहाँ से, हर चीज भेज रहे हैं, हर आइटम भेज रहे हैं, और आपकी हर चीज की सप्लाई। और आपकी अपनी खुद की 2-3 दुकानें भी? 4 दुकानें। 4 दुकानें आज जी दोस्तों इनकी अपनी, 196 हमारी दुकान नंबर है और B914 हमारा फड़ जो है, और B881 हमारी ऑफिस है। अच्छा, ऑफिस में मिलना तो ऑफिस में भी मिल सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, सबके लिए। चलिए जी भाई साहब, किसी को कोई फ्रूट मंगाना हो होलसेल में कहीं पर भी, एक बार अपना मोबाइल और अपने भाई का मोबाइल नंबर बोल दो। 9711557119 ये मेरा नंबर है, मेरा नाम तुषार है, मेरे बड़े भाई का नंबर है 9654460553, उसका नाम हिमांशु अरोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। चलिए दोस्तों जान लेंगे अनार का भी आज का क्या बाजार चला। दोस्तों वैसे अनार की मंडी तो अब खत्म हो गई है, तो वैसे माल रह गए जो लास्ट के बचे कुछ माल होते हैं, और बाबू जी की जो 100 रुपये वाली घड़ी है जी, इसमें टाइम हो लिया जी 11:30 बज गए जी, फिर भी आज का रेट जान लेंगे क्योंकि 11:30 बज गए, मैं भी लेट हो गया, वही तो मैं बोल रहा जी अभी 11:30 बज गए जी, आपकी 100 रुपये वाली घड़ी में देख लो 11:30 बज लिए जी, और लेट हो गया जी मैं भी। अब तो लास्ट में सारे ऐसे माल होते हैं जूस वाले जी हैं, बस खत्म होगी मंडी राणा साहब। अच्छा जी, अच्छा, चलो वैसी रिपोर्ट दे दो जी आज की, कैसा बाजार चला, क्या लाते हैं जी? रिपोर्ट कल जैसी है। अच्छा जी, ये बताओ जी हरियाणा की जो मंडी बंद है वहाँ के ऑर्डर जा रहे हैं जी कुछ? हाँ हरियाणा जा रहा है, कहाँ की मंडी बंद है? हरियाणा में, हरियाणा की सारी मंडियाँ बंद है कल से हड़ताल है, मेरे को आइडिया नहीं था राणा साहब। अच्छा जी, लेकिन जा रहा है थोड़ा बहुत माल जा रहा है, पंजाब जा रहा है, हरियाणा तो नहीं है किसी का ऑर्डर, पंजाब का ऑर्डर आया। अच्छा, हरियाणा की ऑर्डर नहीं है? नहीं अभी नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, पंजाब के, वो इसीलिए मेरे को नहीं आइडिया था। अच्छा जी, अच्छा, तो आज के बाजार कैसे चल रहे, मार्केट कैसे चल रही? मार्केट कल जैसी है राणा साहब। अच्छा, बढ़िया माल 1100-1100 तक बिक रहे हैं, कल से थोड़ा सा बंदा है। अच्छा जी, 1050 तक बढ़िया माल बिके, और जो बढ़िया कलरफुल अच्छे माल बढ़िया हमारे पास वही रेट बिके 1050। नासी का ये या राजस्थान? राणा साहब अपना उसका राजस्थान का। अच्छा जी, राजस्थान का। अच्छा जी, महाराष्ट्र के माल आ रहे हैं बढ़िया, अभी इतने है नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया 850-850 रुपए बिके। अंगूर मंगाओ ना भाव जी, आपके पास इतने व्यापारी अंगूर के बेर के आप मंगाते हैं? तो 2 गाड़ी रोज मंगा रहे हैं, पीछे खरीदी महंगी हो रही है, पैसे नहीं बन रहे। अच्छा जी, कल भी मैसेज आया कहते 41 रुपए किलो पीछे बिक रहा है। अच्छा जी, 200 रुपए क्रेट का खर्चा। अच्छा जी, क्या फायदा उसका, कार्ड लाल है। अच्छा, 200 रुपए क्रेट का खर्चा अंगूर का जी, 400-500 रुपए यहाँ बिक रहा है। अच्छा जी, कहाँ पैसे बनेंगे यार। अनार के अंदर भी कल थोड़ा सा आया था 150 रुपए डब्बा, 16 के माल पे घट गया, बताओ। अच्छा जी, क्या पैसे बनने हैं,
उनको मना भी कर रहे हो, आराम कर लो थोड़ा दिन। हालांकि कल्चर थोड़ा ढीला है आज बाजार, थोड़ा सा ढीला है कल्चर। शनिवार है जी आज तो, वैसे खैर शनिवार है, लेकिन वही बाहर की मंडियां बंद करके फर्क आ गया, मेरे को नहीं आइडिया था। अच्छा, आपने बताया बस ऑर्डर वहां लिखे जाते हैं, कॉल वहां आती है जी। कोई फोन तो आता ही है राणा साहब। अच्छा जी, अच्छा, मेरे को पता नहीं था कि हरियाणा की मंडी बंद है। चलिए जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, ठीक है राणा। दोस्तों वैसे मंडियां तो खुल गई, पर जो ऑर्डर यहां से अभी भी नहीं जा रहे, व्यापारी डरे हुए हैं, जो वहां से माल ले जाते थे। हरियाणा की मंडियां बंद है, कल भी बंद थी, आज भी बंद, हो सकता है कल भी बंद रहे, दो तीन दिन के, चार दिन का ऐलान किया था उन्होंने। यहां से काफ़ी माल करनाल, पानीपत, अम्बाला और बहुत मंडियों में जाता है जी, सोनीपत वगैरह, पानीपत, यहाँ से काफ़ी माल जाता है, इसलिए वो सप्लाई बंद है। और यही कारण है कि जो सब्जी में आज यहाँ बंद होया, जो हरियाणा में गड्डियाँ लगने वाली थी ना, बाहर से आती थी, जो हरियाणा में डायरेक्ट लगती थी मंडियों बड़ी में, वो वहाँ तो मंडियाँ बंद है, वो सब्जी की गाड़ी है दिल्ली आजादपुर मंडी में आ गई, तो यहाँ सब्जी का इसलिए आज थोड़ा सा बाजार डाउन होया। ये दोस्तों जान लेंगे सात नंबर साइड में भी आज का अंगूर का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है, आज की क्या पोजीशन है जी, कितनी गाड़ियाँ आई मंडी में, चलिए जानते हैं भाई साहब के पास ये कहाँ कहाँ के माल आए। जो गगन आनंद जी हैं भाई साहब, इनका भी अंगूर का काम है अब, और ये काले अंगूर आ रहे यहाँ पर मंडी में, सफ़ेद वाले अंगूर। और सुबह से आज सब्जी की वीडियो में और प्याज की वीडियो में कॉमेंटाने चालू हो गए कि अंगूर सांगली में महाराष्ट्र में तेज हो गया। चलिए जानते हैं यहाँ क्या असर है मार्केट में, यहाँ कब तेज होगी, कैसे बाजार चल रहे। नमस्कार भाई साहब जी, नमस्कार, कैसे हो जी भाई साहब जी, आपका आशीर्वाद, बड़े टाइम बाद दर्शन दिए। बस ऐसे ही चलते रहा जी, कभी छुट्टी कर लें कभी आ जाएं। आप तो बड़े टाइम बाद मरते मेरे। हाँ जी, हाँ जी, मार्केट कैसी चल रही जी सुबह के कमेंट आ रहे हैं। मार्केट की राणा जी कुछ समझ नहीं आ रही, मार्केट का बहुत बुरा हाल है। अच्छा जी, 400 रुपए से लेके बहुत टॉप से टॉप माल है 500-550। और मेरे पास सुबह के कमेंट आ रहे वीडियो में कि सांगली में महाराष्ट्र में वहाँ पे तेजी है। आज मुश्किल से जितनी गाड़ी लगी है दिल्ली मंडी के अंदर, 8 या 10 गाड़ी लगी हुई सांगली की, बाकी सारी नासी के रोड। वो ग्राहक नहीं समझता, ग्राहक को अंगूर चाहिए। अच्छा, सस्ता चाहिए उसको, सांगली से कोई लेना देना नहीं है, शोलापुर से कोई लेना देना नहीं है, उसको अंगूर चाहिए, अंगूर मिल रहा है। अच्छा, हम लोग परेशान हैं जो शोलापुर का काम करने वाले, हम लोग परेशान हैं इस चीज़ से। अच्छा जी, हमारे को एक व्यापारी नहीं, जो भी व्यापारी, हर व्यापारी हमारे को डंडा दे रहा है कि पैसे नहीं बन रहे। अच्छा जी, मगर यहाँ नासिक ने गंद खोला हुआ है, 400, 450, 380 उठा, 450 उठा, उसके आगे हमारा शोलापुर पिट रहा है। अच्छा जी, तो उसके पैसे नहीं बन रहे, पीछे बाजार तेज हो गया, पीछे बताते 150 रुपये का 4 kg हो गया है, 200 रुपये का 4 kg हो गया, 50-60 रुपये का 4 kg हो गया, मगर करे तो करे क्या, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं ऐसा ना। अच्छा जी, गाड़ियाँ कम है जी, कम है गाड़ियाँ कि ज़्यादा है जी? गाड़ियाँ पहले के मुताबिक 20 गाड़ी कम है, फिर भी 45 गाड़ी है आज मंडी में। अच्छा जी, रोज आ रही थी 60-65। अच्छा, मगर बाजार नहीं उठ रहा, बाजार में बड़ा गंद मचा हुआ है। हम क्या करें, हमारा सांगली का काम है, गाड़ी 200 गाड़ी बेचने वाले 500-700 नक्कर गुजारा कर रहे हैं। अच्छा जी, नई व्यापारियों के पैसे तो बन रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमने काफ़ी टाइम तक हमने संभाला, मगर अब हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो हम भी कब तक कितना संभालेंगे। अच्छा जी, अच्छा, घोड़ा घास तो वहाँ कहाँ की तेजी आ रही, फिर जो पीछे भेजने वाले वो कहाँ पीछे, वहाँ की बांग्लादेश कटिंग हो रही है, एक्सपोर्ट की कटिंग हो रही है, कई शहरों की वहाँ की कटिंग है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं पैसे बन रहे हैं, पंजाब में बाजार नहीं है, हरियाणा में बाजार नहीं है, JNK में बाजार नहीं है, आदमी करे तो करे क्या। अब वो हमारे को प्रेशर देते हैं, बाजार खींचो खींचो खींचो, कहाँ से खींचेंगे, नासिक कितने साल हमारे मालों ने नासिक को पीटा है, अब नासिक हमारे को पीट रहा है इस साल। अच्छा जी, तो आज नासिक की ऐसी ऐसी क्वालिटी बनी है कि हमारा शोलापुर उसके आगे फेल है, नासिक के आगे बिल्कुल। तो नासिक के क्या रेट है जी आज के यहाँ के? नासिक वही है जी, हर रेट है नासिक, 380, 400, 420, 450 रुपए, बढ़िया बढ़िया नासिक के माल बिक रहे हैं 9 किलो के जी बिल्कुल। और जो नासिक के गोल वाले हैं, है जी, गोल गोल चाल में है जो नासिक के, गोल चाल वही 3-3.5। अच्छा जी, वो बिक रहे हैं। और जो लंबे वाले सोलापुर चल रहे जी, जैसे सांगली सोलापुर वाले, सांगली के बढ़िया से बढ़िया माल 500 रुपए, वही 500 रुपए अब आगे घुटने टिक जा रहे हैं इधर। अच्छा जी, तो बहुत सुपर एक्स्ट्रा 10-20 लाट में कोई एक आधा लाट वो 5.5 बिक जाए तो कोई अलग बात है। अच्छा जी, बाकी ज्यादातर 500 की रेंज के हैं, बिल्कुल 500 से ऊपर की नहीं खींच रहे। और ये जो काले वाले हैं, ब्लैक वाले जी, ब्लैक का क्या चल रहा है? ब्लैक चल रहे हैं 6-650, 700। ये यही सोलापुर वाले जी? नहीं नहीं, नासिक के। अच्छा जी, ब्लैक तो सोलापुर का वारा ही नहीं खा रहा, किसी का भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, वहाँ का वारा खाने का नहीं है? पहले आ रहे थे जब 1000 रुपए के लपेटे में बिक रहे तो वारा खा रहे थे, मगर अब यार 1000 वाला रहा ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से वारा खाएंगे? नासिक के बिक रहे बहुत टॉप के माल है, वो 800 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, और नीचे में कहाँ से शुरुआत है काले की? नीचे की 400 रुपए से स्टार्ट है, बाकी 2 नंबर 300 रुपए भी बिक रहा है। अच्छा जी, अच्छा, बाकी वो जैसा माल वैसे रेट है। अच्छा जी, ये जैसे ऊपर ली तरफ पड़ा जी आपका, ये किस रेंज का जी है? यही बिक रहे 6-650। 6-650 जी,
और जो सोलापुर आ जाए वो किस रेंज में बिकेगा जी? सोलापुर हमारे पास काला है ही नहीं, राणा नहीं, जो मार्केट में आए, मार्केट में काला है ही नहीं सोलापुर, वारा नहीं खाने का, व्हाइट के लिए बंद हो रहे, व्हाइट के माल बंद होते जा रहे, तो सोलापुर का काला कहां से वारा खाएगा? अच्छा, व्हाइट नहीं वारा खा रहा। ठीक, आप विश्वास मान लो, 480 बेच के 520 रुपए बिक्रियां दे रही है ना, तो भी व्यापारी हमारे से लड़ रहा है। ये नहीं पता कि हम 10 दिन से संभाल रहे हैं, हमारे पास कमीशन भी पल्ले नहीं बढ़ रहे, 500 बेच रहे, 550 बिक्री दे रहे, क्या करें, हमारे को पता उनके पैसे नहीं बनते। फिर भी तो उम्मीद है जी, जैसे अब धूप खिल गई यहाँ दिल्ली में भी आने वाले दिनों में बनेगा जी कुछ? राणा जी देखो, उम्मीद में तो दुनिया का है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं, बाकी जिस मुताबिक अराइवल है मार्केट में, जैसा पीछे से अराइवल सुनने को मिल रहा है, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, सप्लाई जारी जी आपकी अभी? हाँ जी। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस मोबाइल, दुकान का एड्रेस मोबाइल, आनंद एप्पल 1 करोड़ 6 गगन मेरा नाम है, 1087 अपनी शॉप नंबर है। और मोबाइल नंबर जी? 98-188-20-386 98-188-20-376 दोबारा बोल दो जी, 98-188-20-376 बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जान लेंगे दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का अमरूद का क्या बाजार चला, जो 16 नंबर सेट है यहाँ पर अमरूद बिकता है, आज की क्या पोजीशन है जी। चलिए जानते हैं, मंडी तो वैसे ख़त्म हो चुकी है, दोपहर के 12:08 हो चुके हैं, लेट हो गया जी, चलो कोई बात नहीं, फिर आप कहेंगे कि वीडियो चाहे लेट डाल दो, डाल दिया करो, क्योंकि हम तो आलू प्याज में ही बस फंस गए जी वहाँ पर। चलिए जान लेंगे, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। मोनू भाई साहब जी, माल कल से कम है ज़्यादा है जी? राणा जी कोई कल बराबरी माल है, 5 से 6 गाड़ियाँ। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, रौनक कहाँ जाली है? राणा जी रौनक तो ख़त्म हो चुकी है, रौनक तो माल बिक के जा चुके हैं। अच्छा जी, मंडी क्लियर का टाइम है। अच्छा जी। अच्छा जी। तो कल से मार्केट कैसी चली है? राणा जी कल से मार्केट 5 रुपये टाइट है, 5 रुपये जो कल माल 50-55-60 रुपये बिके थे, आज वो 65 रुपये तक बिके। अच्छा जी, 5 रुपये बाजार टाइट है। अच्छा जी, तो सारे रेट बता दो, देसी की कैसी मार्केट रही? देसी राणा जी बिल्कुल एंड पे ही चल रहा है, बाकी ये मानो 50-55 रुपये तक बिक जाने, अच्छे माल 50-55 रुपये, जैसा माल होगा, सुपर क्वालिटी माल होगा तो सुपर रेट मिलेगा। अच्छा जी। अच्छा, और VNR के कहाँ से कहाँ तक? राणा जी VNR साफ सुथरे बढ़िया VNR, हाँ जी, जो 250 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक है, वो 65 रुपये तक बिके। अच्छा जी, और बाकी मोटे वाले? मोटे वाले राणा जी जो कल बिके थे 30-32 रुपये के, वो 35-40 रुपये तक भी बिके। अच्छा जी, और जो महामोटे उससे ज्यादा? वो जो ज्यादा बहुत मोटे हैं तो राणा जी वो वैसे बिकेंगे 20-25 रुपये। अच्छा जी। अच्छा, जो मीडियम साइज के और पिंक ताइवान का भी यही रेट? हाँ, पिंक ताइवान साफ सुथरे माल के बढ़िया रेट। अच्छा जी, और जो बात करें जी अपना इसकी रेड डायमंड की? रेड डायमंड राणा जी MP वाला तो मेरे ख्याल से नहीं था, के जो मार्केट ठीक है, कल से 5 रुपये तेज है जी। हाँ, कल से 5 रुपये। अच्छा जी। अच्छा, चलिए जी धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर दी? D437 आजादपुर मंडी 8588-00-5252। चलिए जी धन्यवाद, धन्यवाद सोनू भाई साहब जी, कार्ड दे दियो जी मुझे भी। चलिए दोस्तों, जान लेंगे 17 नंबर सेट में आज का किन्नू का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं बल्लू भाई साहब के पास, क्यों गर्म हो रहे जी इतने, और ये देखो संतरे कैसे गड़ रहे और गिर रहे, ये सारी मंडी में नीचे गिरे पड़े जी, भरे पड़े जी आज। हाँ जी, क्या हाल है राणा साहब? गर्म क्यों हो रहे आज इतने? भाव जी आज बाजार में तेजी है थोड़ा, किन्नू में तो गर्म हो रहा। अच्छा जी, मगर किन्नू जो पाले वाला है वो किसी भाव नहीं बिक रहा, ये नीचे क्यों गए? ये देखो भाव जी, पाले वाला माल है, सब ताकि हो रहा। अच्छा जी। अच्छा, हाँ, किन्नू बढ़िया बेचा है, 20 रुपए किलो हल्के बेचे, 15-16-13-12 ये बेचा, 10 रुपए किलो ये, 10 रुपए किलो। हाँ, तो ये वाला बेचा 15 रुपए किलो। इसमें पाले के निशान तो दिखाओ, कहाँ पर है भाव जी? पाले का निशान ये है, ये पाले का निशान है। अच्छा, यहाँ से दब गया जी, फिर ये गड़ जाएगा जी इसका, ये दागी हो जाता है सब। अच्छा जी, ये वाले ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, ओहो, ये पाले का निशान है। अच्छा, पाले से किन्नू पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बाकी आज संतरा बहुत भीड़ लग के बिक रहा है। अच्छा जी, पहले किन्नू की सारी रिपोर्ट दे, किन्नू तेज है जी कल से? भाऊ जी कल से 1 रुपए किलो टाइट है, जो अच्छे माल है, जो हल्के माल है वो नहीं बिक रहे, वो तो आज भी वही है 10-11-12-13 बस। बढ़िया माल की डिमांड है? बढ़िया माल की डिमांड है, और बढ़िया जंगलों में 20% माल है गए। अच्छा, ज्यादा माल है नहीं, फिर तो कुछ दिन रह गया किन्नू। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, किन्नू तो ये मान लो तुम इसी महीने में लाश हो जाना, अगले महीने तक तो मुश्किल रुकेगा। अच्छा, नरम पड़ गया किन्नू, देखो आप हाथ में लेके देखो। अच्छा, जो मजबूत माल है वो बिक रहा है, नरम वाला बिक नहीं रहा। रेट कब तक बढ़ेंगे? रेट से मतलब है? अब क्या रेट बढ़ेगा, अब तो बस इसका जाने का टाइम हो गया, बुढ़ा हो गया है, तो मिलना चाहिए। अब जवान है संतरा। अच्छा जी, ये है बुढ़ा, तो बुढ़े की तो तुम्हें पता उम्र पता नहीं कब खत्म हो जा। अच्छा जी। हाँ। चलो फिर जवान की। एक हमारे वहाँ के महाराज वहाँ के राजस्थान गए हैं। हाँ जी।
वहाँ गए हैं, वो क्या नाम, भवानी मंडी के पास में पड़ता है। हाँ जी, आलोट के। अच्छा जी, तो वो कहते हैं कि इन बुड्ढा हो गया, हमारा संतरा जवान है। अच्छा, अब हमारा संतरा क्या करेगा? चलो दिखाओ। हाँ, संतरा जो उनका नाम है अमित भाई। अच्छा जी, अच्छा, संतरे का काम होगा जी? ये संतरा है भाजी, देखो। अच्छा जी, ये संतरा बेचा हमने 30 रुपए किलो। ये क्यों? ये है 3 नंबर साइज। अच्छा जी, वो है 4 नंबर 5 नंबर मिक्स है, वो बेचा 20 रुपए किलो। अच्छा जी, और इससे जो बड़ा है वो बेचा है हमने 40 रुपए किलो, 42 रुपए किलो करेट में रखा है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, और इसका जो एक नंबर है जी? जो एक नंबर है वो 50 रुपए किलो बेचा है, मोटा वाला साइज, ये लूज गाड़ियों का। बाकी करेटों वाला उधर लग रही है, देखो ब्रांडेड। हाँ, और तो फटाफट सारे। चलो ब्रांडेड के लिए तो मैं ब्रांडेड मंडी में जा रहा जी। हाँ, तो वहाँ चले जाओ परे, कोई बात नहीं। चलिए अपने बात भी रहे थोड़ा सा। चलिए मोबाइल नंबर बोल दो जी। 84 48 93 99 10। धन्यवाद जी। लो जी, खुले संतरे का, लूज वाले का और किन्नू का बता दिएगा जी इन्होंने, और ब्रांडेड का तो जी ब्रांडेड मंडी में ही पता करेंगे भी वहाँ क्या हालात है जी संतरे के, क्योंकि संतरा जो है असली मंडी तो जो है इसकी वो है अपना 18 नंबर साइड। ये सामने 18 नंबर साइड है, यहाँ पर गाड़ी आती है सारी के सारे ब्रांडेड, नॉन ब्रांड, ब्रांडेड है जी बस। ये तो सारे के सारे महंगे वाले सौदे हैं ना जी, इधर तो महंगे बिकते हैं ये। इनकी क्वालिटी भी अलग है, कैपेसिटी भी अलग है। ये लूज गाड़ी है, दबे कुचले माल, लूज अलग चीज चली गई। ये सारा, ये 17 नंबर, ये 18 नंबर। वाह जी वाह, गाड़ियाँ तो अच्छी लग रही है आज सारी की सारी। इधर ही से घुस लें जी, चलिए जी इधर से ही चलते चलेंगे। आज वीडियो भी थोड़ा छोटी है जी, धन गुरु नानक वालों के पास चले जी, क्या पता वीडियो को लंबी खींच दे जी, पर बातें बड़ी बड़ी अब बताऊँ जी। देखो जी, सबसे बड़ी बात है कोई सी चीज़ हो जी, चाहे इनके पास संतरो और चाहे आम हो और चाहे इनके पास और भी सामान आए, कभी ये नहीं करते कि मेरे पास ग्राहक खड़े, सारा काम छोड़कर मेरे साथ बात भी करेंगे और रेट भी बताएंगे। चाहे इनके पास 10 बंदे हो, कभी भी आपने देखा ये कभी भी जो है निराश नहीं करेंगे किसी को भी। कोई एक रेट लेने वाला भी आए उसको भी सिर पर रख देंगे एक रेट। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। भाऊ जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा जी। आप पहले मेरे को बतलाओ कहाँ घूमने गए हो? घूमने का जी बस ऐसे ही, किसी दिन छुट्टी मार लें। एक दिन मैंने किन्नू खा लिया जी ज्यादा। अभी आप जवान हो, छुट्टी कैसे कर सकते हो? हम जैसे नहीं करते, आप क्यों करते हो? आप तो रुपए इकट्ठे कर रहे ना जी। वो आपको दे जाएंगे। नहीं नहीं, तो आज बाबू जी कितनी गाड़ी हो रही जी? वही गाड़ियाँ तो कम से कम 25-26 है। अच्छा, ये और बंद वाली, और जो हाँ बंद वाली, और जो बैलेंस है कम से कम 10 गाड़ी का है। यो क्या बात जी, गाड़ी ये बंद भी खड़ी है आप जबकि शनिवार का दिन है। अच्छा जी, शनिवार को बतलाओ गाड़ी कभी जिंदगी में बंद होती हुई नहीं? वारा नहीं खा रहा जी? यानी वारा क्या खाए, ग्राहक नहीं है भाजी, किन्नू ने भी लपेट दी है। और दूसरी बात, यह माल जो बैलेंस जब तक खत्म नहीं होगा ना, जब तक ये उम्मीद ना समझना। मंडी में तो आज इतना बुरा हाल है जी, जो गाड़ियों के नीचे है ना जी, इतना किन्नू क्रेटो में से निकाल के गए, वो पाड़ा पड़ा ना उसके कारण गलन चल गई, पहले गलन हो गई ना वहाँ पर। अच्छा जी, ये जल्दी खत्म होगा। देखो जी, इसका टाइम वाहेगुरु जो लिख के भेजता है ना, ऐसे ही इंसान का, ऐसे ब्रूट का भी लिख के भेजता है। अच्छा जी, ये तो हम लोगों ने स्टोर बना दिए, उसको लंबा खींच रहे हैं, ये करने ये पेट के खाते। अच्छा जी, अदरवाइज उसका टाइम खत्म है। अच्छा जी, इंसान का जब चला जाता है टाइम हो जाता है तो क्या पता चलता है? कुछ भी नहीं पता चलता। वो सब छोड़ छोड़ा के हम चले आते हैं। इसी तरह फ्रूट का भी है। तो आज कितनी गाड़ी हो, क्या बताया जी आपने गाड़ी कितनी? 26-27 गाड़ियां हैं। अच्छा, और लूज अलग आ रही जी है? लूज अलग है, किन्नू अलग है, तो यह तो सारा ये पानी का ही सौदा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बाकी संतरे तो ऐसे मीठे हो गए हैं कि हाथ भी देखने से ही पता चल रहा जी, क्या शानदार। अच्छा, इतना मीठा संतरा हो गया है। और ये वरूर लाइन का और पांडुरना लाइन का तो बाजी, अच्छा जी, चीज ही अलग है। अच्छा जी, और जो इधर के हैं पूना साइड के, उनके संतरे भी गजब के आ रहे हैं, मगर बहुत अच्छी पिटाई हो रही है। अच्छा जी, व्यापारियों की भी के हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा जी, कैसे पिटाई हो रही है। अच्छा जी, बहुत मतलब जो है, मेरा आइडिया था कि ये संतरे जो है कम से कम आने वाले टाइम पे 16-15 बिकने चाहिए। अच्छा जी, मगर वो 15 ना बिकने के बजाय सारे रेट 1100 सारे रेट बता दो, सारे 1100 की बरते बेच रहे हैं जी। अच्छा, कोई बरत अगर अच्छी निकल आती है, सुपर निकल आती है, वो 12 के 8 वजन 25-26 किलो। हाँ, 25 और 141 दाना जी, 141 का ही रेट बताया मैंने आपको। अच्छा जी, और 96 दाना जो है 900 से लेके
1000 रुपए के एट थेड़ में, और जो बहुत ही बढ़िया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो 1100, और जो 171 दाना है, 171 दाना समझ लो 850 से लेके 900 साढ़े 900। अच्छा जी, 900 रुपए समझो। और जो बिल्कुल बढ़िया VIP बर्थ है जी, बिल्कुल VIP बर्थ तो सेठ जी वो 13 की 14। अच्छा जी, मगर VIP तो मेरे पास भी नहीं है। अच्छा जी, उसके वजन 2 किलो फालतू है। अच्छा, एवरेज अगर लगाया जाए तो ये हमारे व्यापारी जीत में, वो नुकसान में। अच्छा, क्योंकि उसके 2 किलो वजन ज्यादा हो गया, क्वालिटी में अंतर आ गया, तो देखा जाए तो ये ठीक। अच्छा जी, इसके अंदर फिर भी ठीक है, इसमें रोटी मिल सकती है। अच्छा, मगर क्या है कि वहाँ पर जो संतरे हैं 35 और 40 रुपए किलो के ये चले वहाँ से। हाँ जी, तो 35 और 40 के तो यहाँ तो पैसे ही समझ लो इनको जाए ज्यादा 25-30 के जा रहे, और समझ लो 3 रुपए किलो का है इसका क्रेट का, बड़े आराम से क्रेट क्रेट हो गया। 75 रुपए की ये किराया अलग होया, 100 रुपए का क्रेट है खाली। हाँ जी, 104 रुपए किलो पड़ गया जी, 100 से ऊपर समझ लो किराया। अच्छा जी, 100-105 रुपए किराया, तो 200-500 यही बात। इसके ऊपर हमारी मजदूरी वगैरह लगा के इसका 350-350 रुपए खर्चा आता है टोटल। अच्छा जी, क्रेट पे तो इस हिसाब से अगर वो 30 रुपए भी किलो अगर लेता है तो बहुत ही बहुत महंगा पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, तो उस हिसाब से इसको जो है 200-150 रुपए क्रेट। कब तक उम्मीद है जी बाबू जी इसमें चमक आएगी दोबारा? संतरे तो चमक में भी है, हर एक चीज के संतरे हर टाइम रेट 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 में रेट बाबू जी, जब तक ये बैलेंस जो टूटेगा नहीं। हाँ जी, ये खत्म नहीं करेंगे, जैसे तैसे मंदा डंडा खत्म कर दें या बाहर भेज दें। अच्छा जी, तब तक ये बाजार नहीं उठेगा। अच्छा, बाजार यही भर्तों की रहेगी 1000 से 1300 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, यही पोजीशन रहेगी और इसी में ही आज जी मंडी उम्मीद है जी क्लियर हो जाएगी। कहाँ होगी भाई, शनिवार है, एक गाड़ी भी उन्होंने बंद कर दी। अच्छा, जबकि खोल के खत्म करना था। अच्छा, वो भी नहीं। तो चलो दिल्ली है जी, वैसे जब दिल्ली में डिमांड निकलती है ना, धूप निकलेगी तो सब बिक जाएगा। नहीं, ये मौसम तो खाने का ने वाहिगुरु ने हमारे लिए इतना अच्छा कर दिया, जो बीच में हम सोच रहे थे होगा क्या संतरों का। अच्छा, उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। अब रेडी पटरी वाले आहिस्ता आहिस्ता आ रहे, रेट भावे नहीं दे रहे। हाँ जी, पर क्या है पटरी पे माल तो जाए, ठीक है जी, खाएंगे उनको स्वाद का पता लगेगा। अभी तक तो किन्नू खाते रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब तो ऐसे किन्नू निकल रहा है बिल्कुल पानी, क्या शानदार माल है जी। सोना बहुत है ये, बहुत बढ़िया है संतरा। संतरा अगर किसी भाई को खाने की इच्छा हो वो आए 661 नंबर खम्बे पे, बहुत ही बढ़िया संतरे मेरे पास पड़े, खाने में स्वाद क्वालिटी बहुत अच्छी चीज पड़ी है मेरे पास। बाकी जो कोशिश तो हम कर रहे हैं कि शनिवार को हम निपटा दें, संतरे जो अच्छे हैं वो बिक रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, मगर क्या है कि खरीदार थोड़ा ढीला चल रहा है। आने वाले टाइम पे ये संतरे रुकने वाले नहीं है, क्योंकि आगे चल के स्टोर भी शुरू होगा, इस महीने के बाद स्टोर शुरू हो जाएंगे, तो ऊपर वाले ने चाह तो स्टोर भी काफ़ी माल जाएगा, वो अप्रैल की 10 तारीख से निकलना शुरू हो जाएगा और हमारे माल ख़त्म होने पर आएंगे और सिर्फ भवानी मंडी रह जाएगा। वो भवानी मंडी वाले अभी तक चले नहीं है, उनको रेट नहीं मिल रहे और वहाँ साइज छोटी है, तो इसलिए भवानी मंडी अभी 10-15 दिन के बाद जोर पकड़ेगी। अच्छा, अभी भी आ रही है जो लाल संतरे देखिए, वो लाल संतरे। हाँ जी, हाँ जी, ये लाल संतरे आपको दिखा रहे हैं भवानी मंडी, ये भवानी मंडी है। अच्छा जी, अच्छा, जबकि पड़े हैं बिक नहीं रहे। अच्छा जी, तो ये लूज में भी वो भवानी मंडी आ रही ना जी, बहुत बुरा। आपको भी अगर अगर किसी को भाई को मीठा संतरा चाहिए, अगर आपके घर में मीठा ना निकले क्रेट मेरे को वापस, तो खंबा नंबर कौन सा जी बाबू? खंबा नंबर 661 और सेड नंबर नंबर 18। किसी भाई को भी संतरा चाहिए आए, मोबाइल नंबर बाबू जी, मोबाइल नंबर 9811117144। भाई मैं आपसे फिर हमेशा ही बोलता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि राणा जी का अगर वीडियो देखते हो तो एक बार धन गुरु नानक बोलने से आपको खुशियां ना प्राप्त हो तो मेरा नाम बदल धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। चलिए दोस्तों जान लेंगे दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का तरबूज का क्या बाजार चला, आज के तरबूज के क्या क्या रेट हैं जी, कैसी बिक्री चली, सर्द का क्या रेट, तरबूज का क्या रेट। सेरे भाई साहब के पास कई दिन के लिए, कई दिन के बाद मिले भाऊ जी, नमस्कार जी। राणा जी जय जवान जय किसान और जाग्या हिंदुस्तान, जय श्री राम।
आप कहाँ खो गए जी, पहले ये बात बताओ। खो क्या गए, तुम आए नहीं ठंड में, हम भी ठंड में नीचे बैठे थे। मैं तो कई बार यहाँ के गया जी, आप ही नहीं दिखे जी। ये देखो हीटर चला रखा मैंने, कहाँ पर देखो आप कैमरा मार। अब तो इतनी धूप निकल रही है, हीटर का क्या फायदा। ये बुढ़ापे का शरीर है, तभी तो मैं जय जवान जय किसान बोलता हूँ। अच्छा जी, इसलिए जागना पड़ेगा हमें भी। तो आज कितनी गाड़ी हो रही भाऊ जी? भाई ये गाड़ियाँ मंडी में बहुत कम है, तरबूज का उठाव कम है। कारण? दिल्ली की मंडी का यहाँ कुछ नहीं पता लगता, डिमांड निकल गया तो तरबूज तेज हो जाए। अच्छा, डिमांड ना निकले तो तरबूज को कोई पूछता नहीं। अच्छा जी, क्योंकि तरबूज सर्दी में खाता तो कोई है नहीं, शादी ब्याह में चारों तरफ डिमांड निकल जाती है। अच्छा जी, तो वैसे अब हरियाणा दो दिन बंद है। अच्छा, उसकी वजह से ग्राहक भी कम है, हरियाणा के माल कम जा रहे हैं। पता नहीं मंडियों में क्या हो गया, एपीएमसी का चक्कर है। अच्छा जी, वो मंडियां बंद है दो दिन के लिए बता रहे, जिसको पूछो हरियाणा बंद है, हरियाणा बंद है। हरियाणा में वो एपीएमसी का चक्कर पर, जैसे आप यहाँ 1% एपीएमसी देवाना जी, वहाँ आधा परसेंट है, सरकार कह रही है हम भी एपीएमसी 1% लेंगे। अब देखिए क्या होता है, मसला तो भाई सरकार का ना, हमारा क्या होता है जी, वो तो उनका काम है जी। तरबूज का रेट कोई ज्यादा नहीं है। हाँ जी, तरबूज का लूज के रेट है 16 रुपए से लेके 18 रुपए तक। अच्छा जी, और लूज जो नीचे बचता है 2 नंबर वो 10 रुपए 8 रुपए किलो। अच्छा जी, ये रेट है। अच्छा जी, सर देखो कोई पूछ नहीं रहा। हाँ जी, सरदा 150 रुपए से लेके 250 रुपए लास्ट। अच्छा जी, हर भाव है 5। और गाड़ियाँ काफी हो रही जी मंडी में? मंडी में भाई देखो पूरी मंडी भरी पड़ी है तरबूज सरदे से। अच्छा, ये देखो ना, अब देखो कितना भरा पड़ा माल, बिक ही नहीं रहा किसी का। फिर आज मंडी में तुम्हें पता किरी हिलता है लोग, तो क्लियर हो जाएगी जी मंडी आज? ये कहाँ क्लियर हो जाएगी, कहाँ माल उड़ जाएगा, क्लियर नहीं होगी। अच्छा जी, गाड़ियाँ फिर भी लगातार आ रही है, अभी खड़ी है, बंद भी खड़ी है। अच्छा जी, अभी डिमांड नहीं है। अच्छा जी, कब तक निकलेगी जी डिमांड फिर? ये डिमांड भाई अभी 2-4 दिन के बाद निकलेगी। अच्छा जी, चलिए जी, धन्यवाद भाऊ जी, थोड़ा गर्मी है तो खुलेगी। मोबाइल नंबर क्या है भाऊ जी अपना? बोलो जय जवान जय किसान जाग्या हिंदुस्तान। और ये हमारे जा रहे हैं पठान। अच्छा जी, और भाई ये तरबूज का रेट तुम्हें मैंने बता ही दिया। हाँ जी, और बताइए मोबाइल नंबर पुराना है? हाँ जी, 93-111-86-676। आज सुपर VIP तरबूज का क्या रेट है जी? सुपर का 20 रुपए सुपर। अच्छा जी, डब्बों में 18। चलिए 17-18 समझो। बहुत बहुत शुक्रिया भाऊ जी।